तीन सौ रुपए जी बात करें अगर खाद्य तेल की, तो खाद्य तेलों में देख रहे हैं कि सरसों का अक्टूबर वायदा 8338 पर है, रिफाइंड सोया तेल का अक्टूबर वायदा 1345 पर, और सोयाबीन का अक्टूबर वायदा 5581 पर है। लगभग 3% की गिरावट सोयाबीन के अक्टूबर वायदा में देखने को मिल रही है। रूपा जी देख रहे हैं कि आज खाद्य तेलों का वायदा बाजार एक सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, और ये भी देखा गया है कि जो सेबी है उसने सरसों के वायदा पर रोक लगा दी है कि जब तक सेबी का अगला आदेश नहीं आ जाता है तब तक सरसों का वायदा बाजार में नई पोजीशनें नहीं बना जा सकती हैं। जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो पहले से ही चल रहे हैं सिर्फ उनमें सौदा काट के निकला जा सकता है। और रूपा जी अभी अभी एक और खाद्य तेलों को लेकर खबर निकल के सामने आई है कि सरकार ने जैसे पहले दलहन पर स्टॉक लिमिट लगाई थी, सरकार ने वैसे ही अब एक खाद्य तेलों पर भी स्टॉक लिमिट लगा दी है, जिससे कि जो घरेलू बाजारों में जो कीमतें हैं उनको काबू में किया जा सके। अब आपको क्या लगता है इस खबर से और सरकार के इस फैसले से तेल तिलहन का वायदा बाजार और हाजिर बाजार कितना टूटता हुआ नजर आ सकता है? देखिए अखिलेश, जिस तरीके से तेजी बनी गिरावट जो है वो बाजारों के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है, और आगे फेस्टिवल सीजन है, सरकार को कहीं ना कहीं ये डर है कि त्योहारी सीजन के चलते मांग निकल सकती है और एक तेजी का रुझान बन सकता है। इस वजह से सरसों के अगले वायदा पर भी रोक लगा दी गई और इसका सीधा असर हम बाजारों पर आते हुए देख सकते हैं। सोयाबीन जो कि पहले ही गिरावट की मार झेल रहा था, फिर गिरावट जो है आज भी हमने देखा है कि बाजारों के अंदर गहराती हुई नजर आ रही है, और मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ही रहने वाला है। जो एक छुटमुट डिमांड, जो एक छुटमुट तेजी जो है वो बन सकती है फिलहाल बाजारों के अंदर, लेकिन वायदा के अंदर अब बाजारों में फिलहाल पोजीशनें बनती हुई दिखाई नहीं देंगी, और इसका सीधा असर जो है बाजारों के ऊपर, प्राइसेस के ऊपर आता हुआ हम देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि प्राइसेस अभी निचले स्तरों पर कारोबार करते दिखाई दे सकते हैं। जी, तो यानी कि त्योहारी मांग होने के बावजूद भी खाद्य तेल का बाजार कुछ निचले स्तर पर जाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि जो खाद्य तेल के दाम है वो ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए। और देखा जाए तो एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जो सरसों तेल है वो 200 रुपए के पार बिकता हुआ नजर आ चुका है, और अभी भी सरसों के तेल के जो दाम है लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसका असर अन्य खाद्य तेल की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सरकार चाहती है कि उपभोक्ताओं को जो चीज़ मिल रही है, जो दाम मिल रहे हैं, वो उचित रेट पर मिलें, जिससे कि हर कोई इनको एक्सेस कर पाए, इनकी सेवन कर पाए।